हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉक ब्रेन। डियर फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? सबसे पहली बात, हम इसको अगर हिंदी में लिखें तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं द्विघात समीकरण। क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण। फ्रेंड्स, जो ये द्वि का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? दो। और जो घात है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होगा? पावर। और समीकरण क्या होता है फ्रेंड? इक्वेशन। क्या होता है? इक्वेशन। तो फ्रेंड, समझना क्या है कि एक ऐसा इक्वेशन, एक ऐसा समीकरण जिसमें जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी हो? टू हो। जो उसकी हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए? टू होनी चाहिए। हाईएस्ट डिग्री क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फ्रेंड्स? टू। हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? वो होती है आपकी टू। तो फ्रेंड्स, हम इसको क्या कैसे कह सकते हैं? एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज टू। यानी एक ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या हो कि जो वेरिएबल गिवन है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो? टू हो, दो हो। तो उस हम समीकरण को कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण। तो फ्रेंड्स, एज जैसे मैंने लिखा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस 6, इस तरह का कोई भी अगर इक्वेशन है इज इक्वल टू 0, तो ऐसा इक्वेशन कैसा है आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। जरूरी नहीं कि फ्रेंड्स ऐसा इक्वेशन हो। मान के चलिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हो, तो भी फ्रेंड क्या होगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। फ्रेंड, मान के चलिए कहीं ऐसा भी हो सकता है कि 3x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0 हो, तो भी फ्रेंड्स ये कैसा होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा। अब फ्रेंड्स, इन सभी इक्वेशन से हमने क्या निष्कर्ष निकाला? मान के चलिए कहेंगे ऐसा भी हो सकता है कि आपको हमने यहाँ, जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ अलग कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे कुछ अलग, तो कॉन्स्टेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। मान के चलिए रूट में भी हो सकता है कि रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, फ्रेंड कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो हमें करना क्या है फ्रेंड्स, एक समझना है कि इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। कैसी फॉर्म होगी फ्रेंड्स? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी फ्रेंड्स? स्टैंडर्ड फॉर्म पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड, अगर हम जिस फॉर्म की बात करें तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी फ्रेंड्स? वो बनेगी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या बनेगी फ्रेंड्स? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स, हम समझेंगे कि अगर ऐसी फॉर्म है किसी भी इक्वेशन की तो हम उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फ्रेंड्स, ये ए बी सी क्या है यहाँ? हेयर अगर हम डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे, तो ए बी एंड सी ये सब के सब फ्रेंड्स बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर्स को। किसको बिलोंग्स करते हैं फ्रेंड? रियल नंबर को। यानी ए बी सी यहाँ पे सभी रियल नंबर्स हैं, और हम इन सबको क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स? इन सबको हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स? कॉन्स्टेंट। अब क्या है फ्रेंड्स, अब यहाँ एक चीज देखनी है यहाँ, यानी अगर हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो फ्रेंड्स वो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स होगा क्या यार, हम यहाँ कह सकते हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ए की वैल्यू हमारी क्या है? 0 नहीं हो सकती। भले ही आपकी क्या हो, बी की वैल्यू 0 हो जाए या फिर सी की वैल्यू 0 हो जाए, लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा ए जो है वो 0 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या फ्रेंड्स, अगर हमारे पास इसी तरह का कोई भी फॉर्म है तो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर हम इनके जीरोस पे डिस्कशन करें फ्रेंड्स, लेट कर लें, अगर हम मान के चलिए मैंने लेट किया, लेट क्या किया कि अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। हमने मान लिया
कि अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं। तो फ्रेंड्स जीरोज क्या है पहले ये समझ लेते हैं, यानी कोई भी ऐसा नंबर जो हम एक्स के प्लेस पर पुट कर दें और उस पे ये इक्वेशन क्या आ जाए फ्रेंड, जीरो हो जाए, तो हम उसको कहेंगे जीरोज। तो लेट के लिए मैंने कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे एक फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला बताएंगे क्या कि सम ऑफ जीरोज। तो फ्रेंड्स सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज मैं लिखूंगा सम यानी अल्फा प्लस बीटा। तो ये फ्रेंड्स होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए के, यानी माइनस बी अपॉन ए। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पे जो बी है, बी क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स, और ए क्या है फ्रेंड्स कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी अल्फा प्लस बीटा की बात करूं तो माइनस बी अपॉन ए होगा। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करूं फ्रेंड्स, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, अल्फा बीटा, और ये अल्फा बीटा होगा फ्रेंड्स सी अपॉन ए। कितना होगा सी अपॉन ए, सी क्या है यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म है और ए क्या है कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।